गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। और यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अपन जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है क्या, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, या मैं बोल दूं कि आखिरकार लोग ग्रामीण क्षेत्र में कैसे जीवन यापन करते हैं, या जीवन यापन करने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलपट्टू गाँव। कलपट्टू गांव भी क्या होता है, जो कि ये एक तमिलनाडु के समुद्र तट के पास है। कहां पर स्थित है ये गांव? समुद्र तट के पास तमिलनाडु में। और यहां पर क्या होगा कि ये छोटी छोटी पहाड़ियां, कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव होगा। कैसा गांव होगा कि ये एक छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ गाँव होगा। और यहाँ पर मेनली जितनी भी सिंचित जमीन है, या जिस जमीनों पर पानी पाया जाता है, वहां पर मेनली किस फसल की खेती की जाती है, तो वहाँ पर मेनली धान की जो है खेती की जाती है इस गांव के अंतर्गत। और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं कि खेती के अलावा यहाँ पर अन्य कार्य या अन्य काम भी किए जाते हैं, इसलिए ये हम चैप्टर इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस गांव में क्या इम्पोर्टेंट है कि फसल तो होगी ही, प्लस और क्या देखने को मिलता हमें यहाँ पर, जैसे कि टोकरी बनाने वाला व्यक्ति भी आपको देखने को मिलेगा, बर्तन बनाने वाला व्यक्ति भी मिलेगा, घड़े देखने को मिलेंगे, ईंट बनाने वाला व्यक्ति मिलेगा, बुनकर, नाई, लोहार, व्यापारी, इवन साइकिल ठीक करने वाला व्यक्ति भी आपको इस गांव के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब जो है हम बात कर लेते हैं भारत के खेतीहर मजदूर और किसानों के बारे में, कि आखिरकार ये अपना जीवन यापन या आजीविका कैसे चलाते हैं। तो भारत के जो खेतीहर मजदूर होते हैं और जो किसान होते हैं, वो उनके या कई परिवार क्या होते हैं, अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेत में, ठीक है, वो इतने निर्धन बोल दें या भूमिहीन व्यक्ति होंगे, तो वो क्या करेंगे कि दूसरों के खेत पर या दूसरे के खेतों पर निर्भर रहेंगे। क्या करेंगे? निर्भर रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मजदूर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक रहेगा भूमिहीन, या मैं बोल दूं कईयों के पास क्या होंगे, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे जमीन के टुकड़े टुकड़े होंगे। ओके, तो आपको ये भारत के खेतीहर मजदूर या किसानों के पास आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से वो क्या करेंगे, दूसरे के खेतों पर निर्भर रहेंगे। क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र होगा उसमें खेती के साथ साथ लोग क्या करेंगे, इवन जंगल की जो उपज रहेगी, जंगल की उपज बोल दूं, या पशुओं के द्वारा जो उपज रहेगी उस पर भी क्या करेंगे, ये निर्भर रहेंगे। अब पशुओं की उपज से तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि गाय से हमें दूध, मक्खन, घी, दूध, दही, ये सारी आदि चीज़ें जो हैं प्राप्त होती हैं। तो ऐसे कई सारे पशु होते हैं जिनसे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात होती है किसकी, जंगल की उपज की। तो जंगल की उपज को यदि हम इसका उदाहरण देखें तो मध्य भारत में क्या होगा, मध्य भारत में जैसे कि महुआ का पेड़, महुआ से क्या होगा, वो इकट्ठा करेंगे या महुआ के बीज इकट्ठा करेंगे। तो एक तो मध्य भारत से महुआ के पेड़ से जंगल की उपज होगी, और क्या हो जाएगा, जैसे शहद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता डेट मीन्स इससे जो कि बीड़ी जिस पत्ते से बनती है उसको बोलते हैं तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता के थ्रू भी ये अपनी उपज या जंगलों पर भी निर्भर रहेंगे, ये ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, या जिसे मैं बोल दूं खेतीहर मजदूर या किसान जो रहेंगे वो इस पर निर्भर रहेंगे। किस पर? जंगल की उपज पर और पशुओं पर आदि पर ये निर्भर रहेंगे। इस प्रकार से इनकी आजीविका जो होगी या आजीवन इनका चलेगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो
अब हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन या आजीविका के क्या क्या साधन या उपाय करते हैं लोग जीने के लिए। तो क्या होता है कि खेती के, या मैं बोल दूं खेती में कई तरह के काम होते हैं, ठीक है। क्या होता है खेती में कई तरीके के काम होते हैं, जैसे कि खेत तैयार करना या निंदाई करना या रोपाई करना, बुवाई करना, कटाई करना आदि। ये कई सारे क्या होंगे, आपको खेती में कार्य देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है कि हमारे जो देश होता है भारत, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें क्या करेंगे, बोएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ज़्यादातर जो किसान होंगे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, डेट मीन्स ज़्यादातर जो किसान होंगे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या बाजार में बेचने के लिए फसलों को उगाते हैं। डेट मीन्स क्या होता है, कई सारे लोग क्या करेंगे, बाजार में बेचने के लिए कि यार ये जो फसल है ज़्यादा महंगी हो रही है, इस वजह से हमें ये रोपना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि किसान जो रहेंगे कई फसल को बेचने के लिए भी क्या करेगा, बोएगा या उगाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होंगे कि कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनके, जिनसे वो उधारी लेता है या कर्जा लेता है। तो ऐसे कई सारे किसानों को क्या करना पड़ता है, उन व्यापारियों को सस्ते दाम में अपनी फसल को बेचना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने उन व्यापारियों से क्या किया है, फसल के पहले या तो कर्ज लिया है या तो लोन लिया है, उधारी ली है। तो इस प्रकार से उस किसान को या गरीब किसान को क्या करना पड़ता है, मजबूरन उस व्यापारी को ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है। ऐसे कई सारे किसान होते हैं या गरीब निर्धन किसान होते हैं जिन्हें अपने गुजर बसारा करने के लिए कई सारा कर्ज या उधार भी लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, जैसे कि छोटे किसान हो गए, खेतीहर मजदूर हो गए, या मैं बोल दूं मछली पकड़ने वाले हो गए, या गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले ये खेतीहर मजदूर हो गए, इन लोगों को कर्ज या लोन लेना पड़ता है और मजबूरन इन्हीं व्यक्तियों को, सेठ या व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती है, जो कि इस चैप्टर में आपको गिवनेबल है। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।